कटिहार में 24 घंटे में कितने देर बिजली रहती है और कितने देर बिजली गुल रहती है, ये हम पड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त हम बारसोई में हैं। 26 जुलाई को बारसोई में ही जो है भारी संख्या में ग्रामीण बिजली कटौती के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ पत्थरबाजी की, पुलिस ने जो है रोकने की कोशिश की तो पुलिस पे पथराव किया गया, पुलिस बचाव में गोली चला दी, 3 लोगों को गोली लगी है, 2 की मौत हो गई। लेकिन बिजली यहाँ पे कटौती होती है ऐसा सुनने में आ रहा है, उसी को लेकर प्रदर्शन भी हुआ था। हम खुद लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्थिति क्या है। अच्छा भैया, आप लोग तो यहीं के लोकल हैं, आपका शॉप भी है फोटो स्टेट वगैरह का, प्रिंट का। बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन हो रहा था 26 तारीख को, आखिर बिजली 24 घंटे में यहाँ कितने देर रहती है और कितने देर नहीं रहती है? सर, सबसे पहली बात तो है कि ये अनुमंडल है, ठीक है, और अनुमंडल में बिजली का रहना अनिवार्य होगा क्योंकि सारा काम तो यहीं से होता है और अनुमंडल 3-4 ब्लॉक लगा के है, ठीक है, तो सारा 29 पंचायत है, पंचायत तो 29 इसमें है, बारसोई ब्लॉक में है, लेकिन इसके अलावा जो सर 4 ब्लॉक मिला के जो है तब एक अनुमंडल बना है ना। ये कितने घंटे बिजली रहती है और कितने घंटे गुल रहती है, हम 24 घंटे में से पूछ रहे हैं। 24 घंटे में 8 घंटा रहता होगा, ठीक है ना। इतनी भीषण गर्मी में सिर्फ 8 घंटे बिजली एक दिन रहती है? 8 घंटे रहती है, उसके बावजूद भी इतना ड्रिपिंग होता है, मतलब लाइट को जाना आना, मतलब इतना फ्लक्चुएट रहता है कि उसका हिसाब नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि सर सारा वर्क तो बिजली से ही होता है जो टेक्निकल वर्क है, अब अनुमंडल में इस तरह का बिजली का रहना सबसे दुखदायक है, और गर्मी के लिए जो है सर, गर्मी में तो सारा कुछ तो लाइट से ही होना है, ठीक है। देखिए, 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे बिजली रहती है। दुकानदार हैं, जहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पर हम हैं, घटनास्थल के पास हैं, और देखिए क्या हाल है यहाँ पर। बिहार सरकार कहती है कि बिहार का बिजली मॉडल बहुत अच्छा है, केंद्र सरकार जो है इस बिहार का बिजली मॉडल को फॉलो कर रही है। हम और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम दुकान में इस वक्त हैं। चाचा, आप लोग यहीं के हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे बिजली कटौती होती है, बिजली बहुत कम रहती है, 24 घंटे में कितनी देर यहाँ बिजली रहती है? बिजली रखिए 5-4 घंटा मैंने रहती है, और उसके बाद जो जाते रहता है आते रहता है, जाते आया 10 मिनट फिर गया। 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे बिजली रहती है। बस हाँ, अभी फिलहाल बिजली है। विशाल जी, तस्वीर दिखाइए, जो सच्चाई है, एबीपी न्यूज का काम है जो सच्चाई है उसको दिखाना। फिलहाल लाइट है, लेकिन कह रहे हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे बिजली रहती है और वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं। भैया, क्या वोल्टेज की भी समस्या रहती है, अप डाउन वगैरह? हाँ, अप डाउन तो रहता ही है यार, रहता है। कितने देर 24 घंटे में बिजली कितने देर आती है? आता जाता है, कोई ये नहीं रहता है, क्या मांग है कि 24 घंटा बिजली मिले? हाँ, 24 घंटा बिजली मिले। तो देखिए, 24 घंटा बिजली मिले इसकी मांग जो है यहाँ पे लोग कर रहे हैं। एक ढाबा टाइप का जहाँ पर स्थानीय लोग अभी लंच कर रहे हैं, हम उनसे ही बात कर रहे थे, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे कि आपको तस्वीरें जो है वो दिखाते रहे। भैया, आपका ये शॉप भी है फोटो स्टेट प्रिंट आउट का। 26 जुलाई को यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे बिजली कटौती के खिलाफ में। लोगों का कहना है कि यहाँ बिजली घंटों गुल रहती है, आती नहीं, कभी कभी 24 घंटे नहीं आती है। लोकल आप हैं, सच्चाई बताइए, बिजली की स्थिति यहाँ पे क्या है? जी, मतलब सही मायने में अगर बात करें तो मतलब हर साल की ये नौबत है कि मतलब हर साल गर्मी के टाइम में बिजली का कटौती होती है। 24 घंटा में से लगभग मान के चलिए 8-10 घंटा के बीच ही मतलब बिजली उपभोग कर पाते हैं हम लोग, जिसके वजह से पिछले बार भी मतलब प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ था भारी तादाद में हुआ था, काफी मात्रा में हुआ था, जिसके वजह से मतलब जो कई पंचायत के यहाँ लोग आए थे, लगभग 8-10 घंटे के बीच रहता है। अच्छा, आपका तो आपका ये एक तरह से साइबर कैफे टाइप का है इस अनुमंडल में, और अनुमंडल कार्यालय परिसर के सामने आपकी ये शॉप है, तो आपका तो सारा काम बिजली पे ही निर्भर है, चाहे प्रिंट आउट हो, चाहे जीरोक्स हो, चाहे इंटरनेट के लोगों को काम हो, तो आपको तो सर्वाधिक नुकसान होता होगा ना बिजली कटौती से? जी जी, बहुत परेशान है हम लोग इससे, मतलब जो हम लोग का दिनचर्या का जो काम है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कभी कभी बिजली के वजह से हम लोग का दुकान बंद पड़ जाता है, तो ये सारी परेशानी है जिसको देख के मतलब जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। देखिए, अभी ये इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, अभी देखिए स्थिति क्या है यहाँ पे। चलिए, हम और लोगों से, विशाल थोड़ा पीछे चलिए, हम और लोगों से बात करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे। विशाल राय कैमरा पर्सन ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ हैं, हर पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है,
जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, भीड़ अंदर घुस के बिजली विभाग में तोड़फोड़ की, पुलिस को जो है भीड़ को रोकने के लिए गोली चलानी पड़ गई, तीन को गोली लगी है। दो भैया इधर आइएगा, ये आपसे थोड़ा बात करेंगे। ये आप ही का दुकान है ना? यहीं पे धरना प्रदर्शन हुआ था, बिजली काफी गुल रहती है यहाँ पर, बिजली कटौती के खिलाफ। ये बताइएगा 24 घंटे में बिजली कितने देर आती है या कितने देर नहीं आती है? बिजली देर ज्यादा क्या मतलब, ये दो तीन दिन पहले, अभी तो फिलहाल ठीक है जो भी आ रहा है, पहले दो तीन घंटा चार घंटा तक लेट नहीं आता था पहले। 24 घंटे में 5 घंटे बिजली रहती है या 6 घंटे रहती है या पूरे 24 घंटे रहती है, या बिजली 24 घंटे आती ही नहीं? नहीं आती थी तो मतलब ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा पौने घंटा में बस चले जाता था, इतना हमको पता है। मतलब ज्यादातर लाइट कटी रहती, कटी रहते थे। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे जो है लाइट, की ज्यादातर लोग जो है अमूमन जो मेजोरिटी है वो यही कह रहा है कि लाइट यहाँ पे कुछ युवा है इनका भी आप लोग से भी बात करेंगे, युवा तो भाग रहे हैं। नहीं, ये बताइए बिजली की क्या स्थिति है, कितने देर? सर बिजली की स्थिति यही है कि सही तरह से बिजली नहीं मिल पाती है बारसे ब्लॉक में, और अप एंड डाउन करती है, अभी आती है कभी चली जाती है। हम लोग का जनता का कहना है कि शाम के टाइम में कम से कम बिजली होनी चाहिए। हाँ, और मैंने आती है दो घंटा बिजली नहीं रहती है, 10 मिनट नहीं रहती है, फिर काट देती है, सुबह 2 घंटा 3 घंटा के बाद ही बिजली आती है, सही रूप में बिजली नहीं आती है। देखिए ज्यादातर लोग जो मेजोरिटी है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कटिहार के बारसोई में बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है भीषण गर्मी में। कोई कह रहा है 4 घंटे लाइट रहती है, कोई कहता है 5 घंटे लाइट रहती है। जो एबीपी न्यूज पड़ताल कर रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि वाकई यहाँ पे बिजली की समस्या है, लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं, लाइट घंटों नहीं आती है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ सुशांत कुमार, एबीपी न्यूज कटिहार।